नमस्कार दर्शकों, मैं प्रियांशु शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए रुख करते हैं देश की तमाम खबरों की ओर। विद्युत विभाग की अव्यवस्था को लेकर देवगांव विद्युत कार्यालय का ग्रामीणों ने किया घेराव। युवा कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ विरोध प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया वाटर कैनन का उपयोग। मुख्यमंत्री के नाम पर तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन। स्लिमनाबाद विद्युत वितरण केंद्र देवगांव अंतर्गत आने वाले 40 गांवों में लाचार विद्युत व्यवस्था, अघोषित कटौती, जले पड़े ट्रांसफार्मरों, मनमाने बिजली बिलों के विरोध में शनिवार को युवा कांग्रेस के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष मुकेश यादव के नेतृत्व में हुकार भरी गई। विद्युत विभाग के अधिकारियों व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। नारेबाजी करते हुए ग्रामीण सड़क में बैठ गए, जिससे कटनी रिठी मार्ग पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति निर्मित हो गई थी। इसके बाद ग्रामीण विद्युत मंडल कार्यालय देवगांव का घेराव किया। विरोध प्रदर्शन देख पुलिस ने वोटर कैनन छोड़ा। पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प, उसके बावजूद भीगते हुए ग्रामीणों ने राज्य सरकार व विद्युत विभाग के खिलाफ हल्ला बोल किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। सौंपे गए ज्ञापन में 7 दिवस में विद्युत समस्याओं का निदान नहीं होता है तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कुशल वर्मा, जितेंद्र पांडे सहित बड़ी संख्या में किसानों व ग्रामीणों की उपस्थिति रही। आज यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में यहां पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं और विद्युत विभाग की लगातार समस्याओं को देखते हुए सभी ग्रामीण जनों ने आज अपना यहाँ विरोध प्रदर्शन कराया है और MPP का घेराव किया। हम लोग बड़े परेशान और हताश हैं और आप मीडिया के माध्यम से हमारे शकुनी रूपी मामा को यह संदेश भेजना चाहते हैं कि मामा कभी आकर हमारे गांव में देखो, अपने मंत्रियों को, अपने MPP के अधिकारियों को कभी हमारे गांव में दो चार रात रहवा कर देखो कि लाइट ना होने पर क्या समस्या होती है, क्या परेशानी होती है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है आज माननीय तहसीलदार महोदया को कि हमारी समस्याओं का अगर समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में हम लोग चक्का जाम करेंगे और उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। अभी तक कितने घंटों बिजली मिलती है? जैसे अभी कोई निश्चित नहीं है। इन लोगों की अघोषित कटौती पब्लिक की जान लेकर रहेगी, कोई निश्चित नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कोई इन पर MPP के अधिकारियों पर कोई अंकुश नहीं है। जो मन आए वो बिजली देते हैं और आए दिन पब्लिक को परेशान करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार यादव है, बहरी बनरीडी विधानसभा अध्यक्ष यूथ कांग्रेस।